दोस्तों देखो, जो औरत या फिर दोस्तों जो लड़की आपको दोस्तों पसंद होगी ना, और दोस्तों जिस औरत को या फिर दोस्तों जिस लड़की को आप दोस्तों पटाना चाहते हो, आप दोस्तों उस लड़की को अपने ऊपर इम्प्रेस करवाना चाहते हो, तो दोस्तों आज का जो वीडियो है ना, वो वीडियो आप दोस्तों पूरा देखें, क्योंकि दोस्तों आज ना मैं आप सभी को ऐसे दोस्तों तीन प्रकार के सिंपल काम बताने वाला हूँ। जी हाँ, ऐसे दोस्तों तीन प्रकार के सिंपल काम बताने वाला हूँ, जो दोस्तों अगर आप ना अपने ज़िंदगी में करोगे, मतलब दोस्तों जो औरत या फिर दोस्तों जो लड़की आपको दोस्तों पसंद है ना, तो दोस्तों उसके सामने जो दोस्तों मैं आपको काम बताने वाला हूँ ना, वो दोस्तों तीनों भी काम अगर उसके सामने करोगे ना, तो दोस्तों मैं आपका भाई, आपको दोस्तों गारंटी देता हूँ, मैं आपको स्टैम्प पेपर पे लिख के मैं दोस्तों आपको 100% गारंटी देता हूँ कि दोस्तों ये तीन काम करने के बाद कोई भी औरत या फिर दोस्तों कोई भी लड़की आपके ऊपर ना तुरंत दोस्तों ताबड़तोब आपके ऊपर ना इम्प्रेस हो जाएगी। वो औरत ना आपको दोस्तों ऑटोमेटिकली, मतलब अपने अंदर से आपको दोस्तों पसंद करने लगेगी। ऐसा दोस्तों मैंने मेरे ज़िंदगी में ना खुद दोस्तों किया है, इसके लिए दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ। मैं दोस्तों बाकी लोगों के जैसा हवा हवाई बातें बताना ऐसा दोस्तों मैं बिल्कुल भी नहीं करता। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को पूरा देखे। तो दोस्तों बिना कुछ टाइम पास करे सीधी बात नो बकवास, चलो शुरू करते हैं आज के इस धमाकेदार वीडियो को। दोस्तों देखो, अगर आपको ना किसी भी औरत को या फिर दोस्तों किसी भी लड़की को अगर आपको ना विद इन सेकेंड, मतलब दोस्तों जल्दी से जल्दी अगर आपको किसी भी औरत को इम्प्रेस करना होगा ना, तो दोस्तों सबसे पहले जो दोस्तों आपको काम करना पड़ेगा, तो दोस्तों वो काम दोस्तों ऐसा है कि दोस्तों उसके सामने ना ज़्यादातर लोगों को रिस्पेक्ट दिया करो। क्या बोला मैंने? उस औरत के सामने ना ज्यादातर लोगों को, जो लोग ना आपसे दोस्तों बड़े हैं, तो दोस्तों उनको ना रिस्पेक्ट दिया करो। और दोस्तों खास तौर पे औरतों की दोस्तों ज्यादा ही रिस्पेक्ट किया करो, क्योंकि दोस्तों औरतों को ना ऐसे ही पुरुष ज्यादातर पसंद होते हैं, जो पुरुष ना दोस्तों सभी लोगों को रिस्पेक्ट देते हैं, जो औरतों की ना ज्यादा ही रिस्पेक्ट करते हैं। औरतों को दोस्तों ऐसे दोस्तों जो दोस्तों छपरी पुरुष होते हैं ना, तो छपरी पुरुष औरतों को दोस्तों बिल्कुल भी पसंद नहीं होते। मतलब दोस्तों जो पुरुष ना गालियां देते हैं औरतों को, ना गंदी गंदी बातें बोलते हैं कि यार कितना माल है ना, यार कितनी तगड़ी आइटम है ना, ऐसे मतलब जो गंदे गंदे पुरुष होते हैं ना, तो दोस्तों ऐसे टाइप के पुरुष औरतों को दोस्तों बिल्कुल भी पसंद नहीं होते। तो दोस्तों अगर आपको ना किसी भी औरत को, किसी भी दोस्तों लड़की को अपने ऊपर ना इम्प्रेस करना होगा, तो दोस्तों आप ना उसके सामने उसको ऐसा दिखाओ कि देखो देखो, मैं ना सभी लोगों को और दोस्तों खास तौर पे औरतों को मैं ज़्यादा ही रिस्पेक्ट देता हूँ। इससे दोस्तों क्या होगा कि दोस्तों वो औरत ना अंदर ही अंदर आपको दोस्तों पसंद करने लगेगी। अभी दोस्तों उसके बाद जो दोस्तों दूसरे प्रकार का काम है, तो दोस्तों दूसरे प्रकार का काम कौन सा है कि दोस्तों जिस औरत को ना आपको दोस्तों इम्प्रेस करना है, जिस दोस्तों लड़की को ना आपको दोस्तों अपने ऊपर इम्प्रेस करवाना है, तो दोस्तों उसके सामने ना आप दोस्तों जितने लोगों की हो सके उतने लोगों की आप दोस्तों मदद करो। मतलब दोस्तों अगर कोई भी व्यक्ति किसी ना किसी प्रॉब्लम में फंसा है, तो आप उसको सपोर्ट करो, उसकी मतलब आप ना दोस्तों ज्यादातर ज्यादा सपोर्ट किया करो। इससे दोस्तों क्या होगा कि दोस्तों उस औरत को लगेगा कि देखो देखो कितना अच्छा बंदा है, सभी लोगों को ना सपोर्ट करता है। मतलब दोस्तों ऐसा होने के बाद ना दोस्तों वो औरत दोस्तों अंदर ही अंदर आपको दोस्तों पसंद करने लगेगी। और दोस्तों उसके सामने ना दोस्तों ज्यादातर दोस्तों जो कठिन काम होते हैं, जो ज्यादातर पुरुष बिल्कुल भी दोस्तों नहीं करते हैं, जो दोस्तों एकदम ना कठिन काम
होते हैं तो दोस्तों उन दोस्तों कठिन कामों को आप दोस्तों किया करो। इससे भी दोस्तों वो औरत ना आपके ऊपर इम्प्रेस दोस्तों हो जाएगी। और दोस्तों उसके सामने ना अगर आपके अंदर कोई ना कोई टैलेंट है, आप अच्छा गाना गाते हो, आप अच्छी एक्टिंग करते हो, मतलब आपके अंदर ना कोई भी दोस्तों खूबी है, तो दोस्तों उस दोस्तों खूबी को, अपने दोस्तों टैलेंट को उसके सामने ना दिखाया करो। इससे दोस्तों क्या होगा कि दोस्तों मतलब आपको ना शायद दोस्तों झूठ लगेगा, बट दोस्तों औरतों को ना जो पुरुष दोस्तों टैलेंटेड होते हैं, जिन पुरुषों के अंदर ना कुछ तो स्पेशल होता है, तो दोस्तों ऐसे दोस्तों टैलेंटेड पुरुष ज़्यादातर औरतों को मतलब ज़्यादा ही दोस्तों पसंद होते हैं। ऐसा दोस्तों मैंने मेरे ज़िंदगी में खुद दोस्तों देखा है, इसके लिए दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ। अभी दोस्तों उसके बाद जो दोस्तों तीसरे प्रकार का काम है, तो दोस्तों तीसरे प्रकार का काम कौन सा है कि दोस्तों आपको ना जिस भी औरत को अपने ऊपर ना इम्प्रेस करवाना होगा, तो दोस्तों उसके सामने ना आप दोस्तों उसको दिखाओ कि देखो देखो मैं ना मेरे ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो बड़ा करना चाहता हूँ, जो मेरे सपने हैं ना वो बड़े बड़े हैं, मुझे मेरी ज़िंदगी में ना कुछ तो हासिल करना है, मैं बाकी लोगों के जैसा ऐसा ही जीने और ऐसा ही मरने मैं बिल्कुल भी दुनिया में नहीं आया हूँ, मुझे ना अपने ज़िंदगी में ना बहुत कुछ बड़ा बड़ा हासिल करना है, मतलब दोस्तों अपने सपने अपने उद्देश्य आप दोस्तों उसको बताओ। इससे दोस्तों क्या होगा कि दोस्तों औरतों को ना दोस्तों जो ऐसे पुरुष होते हैं ना जो दोस्तों अपने ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो करना चाहते हैं, जिनके सपने ना बड़े बड़े होते हैं, जो अपने ज़िंदगी में ना मतलब ऐसा दोस्तों कोई ना कोई बड़ा मतलब चीज़ वो हासिल करना चाहते हैं, तो दोस्तों ऐसे पुरुष ना दोस्तों औरतों को दोस्तों ज़्यादा ही पसंद होते हैं। ऐसे पुरुषों की तरफ ना दोस्तों औरतें दोस्तों जल्दी से जल्दी ऑटोमेटिकली आकर्षित होती है। आपको दोस्तों शायद ना झूठ लगेगा, बट दोस्तों ऐसा ही होता है। औरतों को दोस्तों ऐसे जो मतलब बेकार पुरुष होते हैं ना, जो मतलब ऐसे ही एकदम खाली बैठे होते हैं, मतलब जो ना ऐसे ही एकदम मतलब बेकार होते हैं, तो ऐसे दोस्तों पुरुष ना औरतों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। औरतों को ऐसे ही पुरुष ज़्यादातर पसंद आते हैं, जो अपनी ज़िंदगी में ना कुछ तो हासिल करना चाहते हैं। तो दोस्तों ऐसा भी अगर आप उसको दिखाओगे ना, तब भी दोस्तों वो औरत ऑटोमेटिकली अंदर ही अंदर आपको दोस्तों पसंद करने लगेगी। तो दोस्तों फिलहाल दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहो, हैप्पी रहो, खुद का ख्याल रखो। लव यू सो मच ऑल ऑफ यू।